धरती के कोने पर आबादी से दूर होकर भी ये जगह इंसानों के फैलाए प्रदूषण से दूर नहीं है। यहाँ पर प्रदूषण का पता लगाकर रिसर्चर धरती पर बढ़ते प्रदूषण का हाल जान जाते हैं। अंटार्कटिका पर ताजे पानी के विशाल भंडार में माइक्रोप्लास्टिक का जहर पहुंच रहा है। इस इलाके में इंसानों की कोई बस्ती नहीं है, लेकिन फिर भी पानी में प्लास्टिक के सूक्ष्म कण मिल रहे हैं। आखिर ये प्लास्टिक आता कहाँ से है? माइक्रोप्लास्टिक अपने आप में एक प्रदूषक है। सागर प्लास्टिक पैदा नहीं करते, प्लास्टिक को इंसान बनाता है। और अगर हमें यहाँ माइक्रोप्लास्टिक मिल रहा है तो इसका मतलब है कि चाहे जैसे और जिस रूप में हो वो यहाँ आया है। बहते पानी, सूक्ष्म जीवों और समुद्री जीवों के मल के साथ ये प्लास्टिक अंटार्कटिक के पानी में पहुंच रहा है।